नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में संख्याओं को काटना सीखेंगे। वे विद्यार्थी जो संख्याओं को काटना नहीं जानते हैं और वो वहाँ पर गलत कर देते हैं, तो ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए ही है। आज आपको हम संख्याओं को काटना बिल्कुल अच्छे से सिखा देंगे, उसके बाद में आप कितनी भी बड़ी संख्याएं क्यों ना हो, उनको आप वहाँ पर आसानी से काट पाओगे। तो काटने के लिए आपको करना क्या है? नंबर एक, अंश और हर, आपके पास दो संख्याएं होती है, ऊपर वाली और नीचे वाली संख्याओं को हम काटेंगे। पर काटने का मतलब ये होगा कि तभी ये कटेगी जब इनमें एक ही संख्या का भाग जाए। ऐसा नहीं करना है कि बहुत बार ऐसा देखा गया कि ऊपर वाली को आप दो से काट देते हो, नीचे वाली को हम तीन से काट देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। काटने का मतलब इसमें अगर हमें दो का फाड़ा बोलना है तो दो का पहाड़ा ही इसमें बोलना है। तीन की टेबल से ऊपर वाला कटे तो तीन की टेबल से नीचे वाला भी कटना चाहिए, यानी सेम नंबर से आपको संख्याओं को काटना होता है। जैसे दो और छः, अगर हम दोनों में बात करें तो यहाँ पर भी दो का भाग पूरा पूरा जाता है, यहाँ पर भी दो का भाग पूरा पूरा चला जाता है, तो ये दोनों संख्या यहाँ पर दो से कट जाएगी। और हम इसमें दो का भाग लगाते हैं तो आएगा दो एकम दो, और इसमें दो का भाग जाएगा कितनी बार? तीन बार। तो इसका यहाँ पर जो आंसर है वो कितना बनेगा? एक बटे तीन बनेगा। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी क्या कर देते हैं, एक बटे तीन को वो यहाँ पर तीन भी लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। आप ऐसा नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखना। आपको ऊपर एक है और नीचे कोई अन्य संख्या है तो वो संख्या ऐसी ही रहेगी, उसको आप उल्टा करने की कोशिश ना करें। तो दो एकम दो और दो तीय छः, तो इसका आंसर कितना बन जाएगा? यहाँ पर एक बटे तीन बन जाएगा, ना कि तीन। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट संख्या के बारे में देखते हैं। पहले हम दो की टेबल बोलते हैं तो दो की टेबल में 14 आता है, पर दो की टेबल में 21 नहीं आता है, यानी ये दोनों संख्याएं दो से नहीं काटी जा सकती। कभी कभार हम क्या कर देते हैं कि इसमें दो का भाग लगा देते हैं और इसमें हम तीन का भाग लगा देते हैं। काट तो आप देते हो अपनी तरफ से, लेकिन ये गलत हो जाएगा। काटना है ना, तो दोनों को सेम संख्या से ही काटना है। तो इसमें दो का भाग जाता है पर इसमें दो का भाग नहीं जाता, तो हम इसको दो के पहाड़े से नहीं काटेंगे। तो दो के बाद में किसका नंबर आएगा? तीन का। हम तीन का पाड़ा बोलते हैं तो 14 में तीन के पाड़े में 14 है वो नहीं आते हैं, तो 14 है वो तीन से नहीं कटेगा, जबकि 21 तीन से कट जाता है 7 बार में, लेकिन काटना नहीं है। काटेंगे हम तभी जब दोनों संख्याएं पूरी पूरी कटे, अर्थात वो संख्या का भाग पूरा पूरा जाए। तीन का नहीं गया। तीन के बाद हम किसका नंबर लेंगे? पाँच का। चार का नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है, हमेशा ध्यान देना है संख्याओं को काटने के लिए आप जो प्राइम नंबर्स होते हैं, हमारे अभाज्य संख्या होते हैं, उनका प्रयोग ही करें। जैसे दो है, तीन है, पाँच है, सात है, ग्यारह है, तेरह, तो काटने में काफ़ी आसानी रहेगी। अब आपको वैसे चार से क्यों नहीं काटे? भाई चार से काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चार से कटती है तो संख्या पहले दो से ही कट जाती है, ठीक है। तो पाँच के बारे में सोचेंगे तो पाँच के फाड़े में भी 14 नहीं आता है, तो पाँच से भी नहीं कटेंगे। फिर हम सात की बारे ही, सात का फाड़ा बोलते हैं, सात के टेबल में आता है, ये भी सात के टेबल में आता है, तो ये दोनों सात से कट जाएंगे। सात से काटेंगे तो 7 × 14 दो बार में कट जाएगा, और इसको भी हम सात से काटेंगे तो 7 × 21 तीन बार में कट जाएगा। इसका जो अंतिम आंसर है वो बन जाएगा 2/3, ठीक है। अब दो और तीन किससे भी नहीं कटेंगे, ये ऐसे कैसे ही रह जाएंगे, तो ये इसका अंतिम आंसर बन जाएगा। अगली बार हम देखते हैं 26/91 को। 26 में दो का भाग जाता है पर 91 में दो का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें इकाई का अंक एक है। वे संख्याएं जिनमें इकाई का अंक एक होता है वो संख्याएं कौन सी होती है? विषम संख्या, यानी ओड नंबर होती है, और ओड नंबर के अंदर कभी भी दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। तो दो के बाद में बारी आती है तीन की। तीन का भाग 26 में नहीं आएगा तो हम तीन का भी यहाँ नहीं लगा सकते। फिर पाँच की बारी आती है तो पाँच के फाड़े में भी 26 नहीं आता है तो नहीं कटेंगे। सात के फाड़े में भी 26 नहीं आता है तो नहीं कटेंगे। 11 के पाड़े में देखें तो 11 के पाड़े में 26 नहीं आता, नहीं कटेंगे। 13 के पाड़े में 26 तो आता है, 13 × 26। अब सोचते हैं कि 91 भी आता है क्या, तो 13 का पाड़ा 91 बोलेंगे ना, तो 7 टाइम में 91 आ जाता है। तो 13 इसको तो काट पाएगा दो बार में, और 13 इसको काट पाएगा 7 बार में, तो इसका जो आंसर हो ऊपर तो रह जाएगा 2 और नीचे रह जाएगा 7। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2/7 इसका यहाँ पर आंसर बन जाएगा। अब 35/45 को हम काटते हैं तो 35 और 45 में आप देखें कि दो का डिवाइड है वो नहीं जा पाएगा, दो का डिवाइड उसमें नहीं जा पाएगा, तो दो से ये संख्या ही नहीं कटेगी।
तीन की बात करें तो 35 है वो 3 से नहीं कट सकता, लेकिन 45 कट सकता है। दोनों कटे तो कटेंगे, एक संख्या के कटने से हम संख्याओं को नहीं काट सकते। फिर बारी किसकी आई, 5 की, और 5 की टेबल में देखो 35 भी आता है, 5 की टेबल में तो 45 भी आता है, तो हम इसको 5 से काट पाएंगे। 5 से काटेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा 7, 5 अंते 35, और यहाँ भी आप 5 से काट देंगे तो 5 का फड़ा वो 9 बार बोला जाएगा। तो अब इसका जो आंसर कितना आ गया, 7/9 आ गया। 7 और 9 अगर और कटे तो हम इनको और काट देंगे, पर यहाँ पर ये और नहीं कटेंगे क्योंकि 7 में सिर्फ और सिर्फ 7 का ही भाग जाएगा, 7 के अलावा और किसी का जाएगा नहीं, जबकि 9 में 7 का भाग जाएगा नहीं, तो ये संख्या यहाँ भागे और नहीं कटेगी। तो संख्याओं को काटने का एक ही नियम है कि ऊपर वाली और नीचे वाली इन दोनों संख्याओं में सेम संख्या का भाग यदि पूरा पूरा जाता है तो आप उस संख्या से उन दोनों संख्याओं को काट सकते हो, काटने का मतलब संख्या को दोनों में भाग लगा सकते हो। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, संख्याओं को काट सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।